अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद फिरदौस अली आज जो रेसिपी शेयर करने आई हूँ वो है गाजर का हलवा। तो आइए हम बनाते हैं मज़ेदार टेस्टी गाजर का हलवा, और ये सर्दियों में बहुत ही मज़ेदार लगता है। हलवा बनाने के लिए मैंने 2 किलो गाजर ली है और उसको घिस कर रखा है, और इधर मैंने एक पतीला रखा है गैस पर और उसमें मैंने आधे कटोरी घी डाला है, और अब मैं इसमें घसी हुई गाजर डाल दूँगी और इसको हम अच्छी तरह से अभी घी में फ्राई होने देंगे। मैंने ये घी में गाजर डाल दिए, 2 किलो गाजर लिए। यहाँ पर मैं 2 लीटर दूध डाल रही हूँ, इससे गाजर में खूब बहुत अच्छे से मावा बन जाएगा दूध का। और इसको हम घी में और दूध में गाजर को अच्छी तरह से अब पकने देंगे ताकि हमारी गाजर अच्छे से गल जाए और अच्छे से भुना भी जाए, क्योंकि गाजर अच्छी तरह से दूध में पक रही है। अब इनको हम आधे घंटे तक पकाएंगे ताकि गाजर अच्छी तरह से गल जाए और ये दूध भी अच्छी तरह से ओट के मावे जैसा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसमें शक्कर डालेंगे। देखिए, दूध मैंने 2 लीटर डाला था वो अच्छी तरह से ओट गया है। देखिए, अच्छा गाढ़ा हो गया है दूध भी, और हमारी गाजर भी अच्छी तरह से गल चुकी है। अभी तो दूध और इसमें बचा है और उसमें अच्छी तरह से हम गाजर को पकने देंगे। अब मैं यहाँ 1 बाउल शक्कर का डाल रही हूँ। शक्कर भी अभी पानी छोड़ेगी तो हमारी गाजर और अच्छे से उसमें गल जाएगी। अब हम इसको और थोड़ी देर, कम से कम 15 से 20 मिनट पकाएंगे। देखिए, हलवा अच्छी तरह से हमारा बन रहा है, दूध और शक्कर भी अच्छी तरह से हो रहे हैं, इसमें गाजर अच्छी तरह से पक रही है। अब मैं इसमें यहाँ पर ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। आपको जो भी ड्राई फ्रूट डालना हो आप डाल सकते हैं, और शक्कर आप देखिए आपके स्वाद के अनुसार डालिए। कोई मीठा कम पसंद करता है, कोई मीठा ज़्यादा खाता है, तो इस हिसाब से आप शक्कर डालिए जितनी आपको पसंद है। अभी हम इसको और अच्छी तरह से भुनाने देंगे हलवे को। हमारी गाजर अच्छी तरह से दूध और शक्कर में पक गई है और ये अच्छी तरह से गल चुकी है। हमारा हलवा करीबन तैयार ही हो चुका है। अब मैं इसमें, यहाँ पर मैंने जब पहले घी कम डाला था, अब मैं 1 कटोरी भर के घी डाल रही हूँ इसमें। अब हम इसको अच्छी तरह से, ये प्योर घी है, इसमें अच्छी तरह से घी में हम भुनेंगे। हम जब दूध में गाजर को पकाते हैं तो उसका टेस्टी मज़ा बहुत अच्छा आता है। जितना दूध ज़्यादा रहेगा गाजर गलने में, उतनी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार हलवा बनेगा। हम इसमें मावा भी डाल सकते हैं, मगर हम दूध ही डालें उसका भी मावा बन जाता है, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। दूध हम ज़्यादा डाल दें। घी में भी अच्छी तरह से हलवा भुना गया है और अच्छी तरह से हलवा बन के अब तैयार है। यहाँ पर मैंने गैस बंद कर दिया है, और कम से कम हलवा बनने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। इसको हम जितना भूनते हैं हलवा उतना ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अब आइए हम इसको एक डिश में निकालते हैं। देखिए, टेस्टी मज़ेदार गाजर का हलवा बनके तैयार है। हम गाजर का हलवा कुकर में भी बना सकते हैं। हम कुकर में गाजर को गला ले तो और जल्दी गल जाती है, मगर जितनी देर हम दूध में पकाएंगे गाजर को, हलवा उतना ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। और आपको मेरे हलवे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलूंगी मैं आपसे अगली रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।